आज हम लोग यहाँ पर वार्ड नंबर 30 में कैंडिडेसी के लिए आए हैं। आज लोग बदलाव चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस के लीडरशिप को। रैली अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही, और आरके साहब को विन कराना है, इसीलिए आज आप पैदल यात्रा रख के अवेयरनेस लिए थे गारंटीज के, जो कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटीज है। अच्छा रिस्पांस है, यहाँ पर काफी लोग जुड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस के 5 गारंटीज थे पहले 2023 में हम लोग दिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब तक पहुँच रहे हैं, उससे भी काफी खुश है पब्लिक। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर, एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। की जो बात करे देश की जरूरत है, हक की जो बात करे देश देता हिम्मत है, युवाओं में जाकर एक जज्बा जगा कर हम नौकरियां पक्की करेंगे, किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं, भरोसा अंदाज बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ है, दो हाथ ये हालात बदल देगा, हम साथ है, दो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा, सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा, घर घर प्रगत की रफ्तार बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, आज हम लोग यहाँ पर वार्ड नंबर 30 में कैंडिडेसी के लिए आए हैं। ये हमारे साथ अजहर है, अजहर की पूरी फैमिली, तमाम यहाँ के जिम्मेदार साहब, तमाम लोग यहाँ पर है, और काफ़ी पब्लिक हमारे साथ है। अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर, हाँ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस के 5 गारंटीज थे पहले 2023 में हम लोग दिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब तक पहुँच रहे हैं, उससे भी काफ़ी खुश है पब्लिक, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और कई स्कीम्स हैं के लोगों के लिए जो लेके आए हैं हम लोग, इंशाल्लाह वो भी गवर्नमेंट आने के बाद पूरी करेगी। का मैं पहले 14 इलेक्शन हुए और 7 तारीख को और 14 होने वाले हैं, कम से कम 20 सीट से ज़्यादा हम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, खासतौर से यहाँ राधाकृष्णा सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आ रहे हैं, इसलिए हमारा इंटर सर्वे भी है, हमारा फीडबैक भी है, और इस तरह आज हम लोग यहाँ आए थे। सुबह मैं कांड्रे के सागर कांड्रे के इलेक्शन कैंपन करके आया, आज लोग बदलाव चाहते हैं कर्नाटक में, पूरे हिंदुस्तान में लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस के लीडरशिप को, और 10 साल जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो झूठे वादों के साथ झूठ कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ लोग बदलाव चाहते हैं, हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस कांग्रेस नेतृत्व सरकार बनेगी, हमें विश्वास है। कम से कम 20 सीट कर्नाटक में, कम से कम 20 सीट ऑल इंडिया में हम सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह, इंडिया अलायंस, क्योंकि आज जिस तरह जो मुल्क में तनाव है, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुल्क के तरक्की के लिए काम कर सकती है, और कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान बनी, सारे हमने जो कहा है हमने वो पूरा किया है, जो 5 गारंटी हमने जो अनाउंस किया था 10 महीने में हमने सारे गारंटी इंप्लीमेंट किया है, लोग हमारे साथ खुश है, रियासत में अमन शांति भाईचारा है, डेवलपमेंट है, तो लोग जो लोगों को विश्वास है कि हम लोग जो हमने कहा था असेंबली में हमने कर दिखाया है। गुलबर्गा में करगे साहब, आज जो करगे साहब का जो लीडरशिप है यहाँ, और आर्टिकल 370J जिन्होंने लागू किया था यहाँ, और हिंदुस्तान के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो भी, और कर्नाटका में जो है पूरे हिंदुस्तान में उनकी लीडरशिप में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो पूरा बदलाव आ रहा है हिंदुस्तान में, और कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस के नेतृत्व की हुकूमत हिंदुस्तान में आई। गुलबर्गा निकल गया, क्या लगता है सर? गुलबर्गा जो है यहाँ नरेंद्र मोदी का कुछ ने बखला गया है, वो उनको लगा कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जो है डेवलपमेंट को छोड़ के आज कम्युनल पॉलिटिक्स पे आ गए, वो यही संदेश है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, वो मंगलसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन वर्क के बारे में बात कर रहे हैं,
लोग जो है उनको नकार रहे हैं और हिंदुस्तान में जो उनकी हुकूमत खत्म हो रही है। गुलमर्ग का राधा कृष्ण साहब ज्यादा से ज्यादा वोट से 1,00,000 वोट जीत के आएंगे। बेशरम जो है उनको बीजेपी वाले कंडेम करना चाहिए, कंडेम होना करना चाहिए था। बीजेपी जो है उनके जो रेवंत का लड़का जो काम किया था उसको कंडेम आज तक कंडेम नहीं किए। हमने SIT किया है, जो हम हमारा इंक्वायरी होगी, जो उनको सजा मिलना वो सजा मिलेगी। अमित शाह साहब ने कहा कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अमित शाह भी झूठा है, नरेंद्र मोदी भी झूठा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एलोरी। आज वार्ड नंबर 30 में पैदल यात्रा थी और आरके साहब को विन कराना है, इसीलिए आज आप पैदल यात्रा रख के अवेयरनेस लिए थे गारंटीज के, जो कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटीज है उसके अवेयरनेस सभी पब्लिक को बताए और इस पैदल यात्रा को सक्सेसफुल करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हमारे मोहतरमा कनीज फातिमा और हमारे सभी कांग्रेस के लीडर्स, सभी कॉरपोरेटर्स और हमारे एरिया के निम्बालकर ब्रदर्स पुत्रो टेंगली भाई मोहसिन और सभी हमारे दोस्तों और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा वार्ड नंबर 33 का सक्सेसफुल पैदल यात्रा होगा और कन्वेंस भी होगा लोग कांग्रेस को वोट डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज वार्ड नंबर 30 में हम निम्बालकर ब्रदर्स और खुसरो टेंगली सेठ और हमारे मोहसिन आनंद गदरी और हमारे फ्रेंड्स मिलकर एक रैली और ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें आज हमारे मैडम कनीज फातिमा, फराजुल इस्लाम साहब और हमारे कॉर्पोरेटर तब्बो साहब और कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे और हमारी रैली अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही। काफ़ी लोग जुड़े हमारे साथ, दोनों ही लोग जुड़े, जैसे कि जो बीजेपी पार्टी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम करना हमारे पास, हमारे एरिया में ऐसा नहीं है कि हमारे एरिया में एक गंगा जमुना तहजीब की एक रैली निकाल देखने को मिली आज और ये रैली एकदम सक्सेसफुल रही और हमारे काफ़ी सीनियर लीडर्स खुश हो गए और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।